नमस्कार दोस्तों, आज मैं पूजा महावत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। जैसे कि सबसे पहले हमने पुरानी वीडियोस में संधि का परिचय पढ़ा था और उसके बाद में स्वर संधि के पांचों भेद पढ़े थे, पद संधि, उसके अलावा पूर्व संधि, और उसके बाद में हमने पढ़ा है अभी अब हम आज पढ़ेंगे प्रकृति भाव संधि। और इसके बाद हम पढ़ेंगे हमारा जो टॉपिक है वो है पुलुत प्रकृति भाव और प्राग्रह प्रकृति भाव। जब ये संधि प्राग्रह प्रकृति भाव तक हो जाएगी तो जो स्वर संधि के पांचों भेद होते हैं या जो भी जो मैंने संधियां पढ़ा दी हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी जो कि जिसमें सिर्फ मुझे ट्रिक्स बतानी है कि जो बच्चे मतलब डिटेल में नहीं याद कर पाते उनके लिए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि डीप नहीं पढ़ते हैं या फिर जिनके पास टाइम नहीं होता है, तो जैसे कि शब्द देखते ही उन्हें पता चल जाएगा कि आखिर इसमें कौन सी संधि की गई है। तो इस तरह की मैं वीडियो बनाने वाली हूँ आगे आने वाली। तो उस वीडियो को देखने के लिए या फिर इन वीडियोस को देखने के लिए आप सभी जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप जानते हो जब तक बेल आइकन को हम प्रेस नहीं करेंगे जब तक हमको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। तो बस अब हम पढ़ते हैं प्रकृति भाव संधि। सबसे पहले प्रकृति भाव का अर्थ क्या होता है? प्रकृति भाव अर्थात यथा स्थिति। जैसे कि साधारण भाषा में समझेंगे कि जैसे पूर्व में था ऐसे ही बाद में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। लेकिन संधि होती है, अब वो संधि कैसे होती है वही हमें संधि में जानना है। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर, प्रकृति भाव संधि। अब व्याकरण शास्त्र के अनुसार हम इसको पढ़ेंगे, प्रकृत्या। अब इनको हम अलग अलग करेंगे, पहले प्रकृत्या। प्रकृत्या के अर्थ क्या है? स्वभावेन, ठीक है। और भावा का मतलब अब स्थिति अर्थात यथा स्थिति। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है जैसे पहले पूर्व में था वैसे ही बाद में भी ऐसा ही रहने वाला है वो। तो अब इसकी परिभाषा है, पदांते विद्यमाना नाम ए आ इ ई उ उ री इत्ते तेषां अकहा, जो कि प्रत्याहार है, री कारे परे। रिकार अगर पर में है, री अगर पर में है, तो प्रकृति भाव विकल्पेन भवति। प्रकृति भाव पक्षी सति दीर्घ स्वरे स हर्षो भवति, ठीक। अब इसका अर्थ क्या है हम आपको अब इसको मैं डायग्राम के द्वारा इसको समझाऊंगी, ठीक। देखिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है कि जैसे सबसे पहले क्या है, पदांत। पदांत वर्ण कौन कौन से होना चाहिए? पदांत में, पद के अंत में, अर्थात जो हमारा पूर्व वर्ण है, वर्ण है ए आ इ ई उ ओ, ठीक। ये कौन सा है? पूर्व वर्ण। पदांत में पूर्व वर्ण ये होना चाहिए और पर वर्ण में री, ठीक। पर वर्ण में अगर री है ऐसी स्थिति में कौन सी संधि होती है? यस, प्रकृति भाव संधि, ठीक है। अब देखिए उदाहरण देखेंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखेंगे, वसंत धन ऋतु, ठीक। अब वसंत में अब एक पद है, प्रथम पद है, ऋतु द्वितीय पद है। अब वसंत जो पद है इसके अंत में देखेंगे हम क्या है, आ, ता, आ की ध्वनि आ रही है, आ है, ह्रस्व आ है। और जो द्वितीय पद है उसका हम प्रथम वर्ण देखेंगे री है, जैसा हम चाहते थे वही है, ए आ ह्रस्व आ धन री, अर्थात पूर्व वर्ण हो गया आ पदांत वाला और द्वितीय वर्ण क्या हो गया, पर वर्ण हो गया री। ऐसी स्थिति में हमने आपको क्या बताया था, ऐसी जब स्थिति आ जाती है तो पर सॉरी प्रकृति भाव संधि हो जाती है। तो बस अब हम इसका कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रकृति भाव संधि है, वसंत ऋतु। अब हम इसको समस्त पद कर देंगे, ये हो गई हमारी प्रकृति भाव संधि। लेकिन जब हम इसको गुण संधि करेंगे, क्योंकि आपको पता है गुण संधि में क्या होता था, री का आर होता था, ठीक है, आर होता था, अर्थात जो रे की जो रेफ है ये ऊर्ध्वगमन कर देती थी। जैसे कि अब हम इसमें भी होगी कि अगर जब हम वसंत ऋतु हो, जब ऐसे लिखेंगे तो गुण संधि होगी और वसंत ऋतु ऐसे लिखेंगे तो ये प्रकृति भाव संधि होगी, ठीक है। तो अब दूसरा उदाहरण देखेंगे, राजा धन ऋषि, इनमें भिन्न पद है, ठीक, ये भिन्न पद है। अब देखिए राजा ऋषि, अब राजा जो पद है इसके अंत में
क्या है, आ है, दीर्घ आ है, और जो द्वितीय पद है उसमें प्रथम वर्ण क्या है, री है, आ धन री। अब देखिए, अब हम इसको राजा ऋषि नहीं करेंगे, ठीक है, राजा ऋषि नहीं करेंगे, क्योंकि हमने परिभाषा में पढ़ा था प्रकृति भाव पक्षी सती दीर्घ स्वरे सा ह्रस्व भवति, अर्थात जब हम प्रकृति भाव संधि करते हैं जब दीर्घ होता है वो दीर्घ का ह्रस्व हो जाता है स्वाभाविक, ठीक। तो हम इसको राजा ऋषि नहीं करेंगे, क्या करेंगे, राज धन ऋषि, ठीक। और अब हम इसको समस्त पद कर देंगे, ये हो गए हमारी प्रकृति भाव संधि। राज ऋषि, अब ये कौन सी संधि है, राज ऋषि हो गई हमारी गुण संधि, और जब हम इसको लिखेंगे, सॉरी, राज ऋषि हो गई हमारी कौन सी, प्रकृति भाव संधि, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया, समस्त पद कर दिया वैसी की वैसी है ये। अब लेकिन जब हम इसको गुण संधि करेंगे, राज रे रा की जो रेफ है वो उर्ध्वगमन करेगी और राज ऋषि, ये बन गया हमारा गुण संधि, ठीक है। तो राज ऋषि और इस तरह की जो दो ऋषि जो हमने आपको बताया है, राज धन ऋषि, राज ऋषि इति समस्तम पदम, और राज ऋषि अर्थात ये क्या है, ये हो गई हमारी गुण संधि। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम प्रकृति भाव संधि करते हैं और गुण संधि है तो कैसे करते हैं, गुण संधि का शब्द किस प्रकार होता है और प्रकृति भाव संधि का शब्द किस प्रकार होता है, या संधि क्या पहचान है वो भी हमने आपको बता दी है। तो आशा है आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम मिलते हैं आगे प्राग्रह प्रकृति भाव संधि के साथ, जब तक के लिए